अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। अफजल कादरी साहब 2014 तक सोए रहे, इस तहरीक में इनका कोई हिस्सा नहीं है। ये हमने खादिम रिजवी साहब को अपने स्टेज पर 22 मार्च 2014 को शान रसूल कॉन्फ्रेंस में मुतारफ करवा के इस तहरीक में शामिल किया और मुझे लाखों लोगों ने और 70 उलमा व मशाइख ने मुंतखब किया। इन लोगों को 6-7 शागिर्दों ने मुंतखब किया। हरगिज ये तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह इनकी नहीं थी। और ये भी सुने, ये सुन, ये मेरी बात सुने ना, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो पीर साहब ने लौकान अफी हिमायत जो आयत पढ़ी है, उलमाए हक से पूछे इन पे फतवा लगता है कि इन्होंने तहरीक के अमीर और खुदा को आपस में मिला दिया है। इनको पता ही नहीं कि आयत कहाँ पढ़ी जाती है। और बाकी अगर इनसे वायदा किया रियासत ने, हाँ इल्जाम नहीं, आकर ये दीन की बातें करते हैं तो खुद भी इन पर दीन नाफिज होगा, इनको भागने नहीं दिया जाएगा। ये किस मौजू पे आयत पढ़ रहे हैं, इनको पता नहीं ये आयत में खुदा की बात है और यहाँ बंदों की बात हो रही है। ये क्यों इस कदर बदहोश होकर ऐसे पढ़ते हैं? दूसरा ये है कि इनसे मुआहदा किया है स्टेट ने, बाद में जाकर हमसे 3 नवंबर को स्टेट ने मुआहदा किया है, उस पर दस्तखत है ख्वाजा साद रफीक के, चौधरी तलाल के और कैप्टन मुश्ताक अहमद के। वो क्या वो स्टेट के हुकूमत के बंदे नहीं है? इन्होंने अहसन इकबाल से बाद में किया, हमने तो वो कुछ मनवाया जो इनकी सोच में भी नहीं था। और ये लाशें गिरा के तो वहां से आ गए और खूने शुहादा का भी नहीं पूछा। इनका मुआहदा तो पढ़े, यही शहीद का लफज भी लिखा है। वो माओ के बच्चे थे, कहाँ गए उनकी लाशें? अब लाहौर में आके कहते हैं कि लाशें गायब हो गई। तो लाशें गायब हुई थी, इन्होंने ढूंढनी थी।